डीआईजी नॉर्थ जोन मधुसूदन शर्मा ने जिला के आला पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला के सभी थानों में पिछले महीनों में हुई क्राइम की घटनाओं को लेकर सारी जानकारियां हासिल की। उन्होंने बैठक में पुराने पेंडिंग केसों के जल्द निपटारे पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नशे के अभियान को और कामयाब बनाने में महिलाओं का भी योगदान लिया जाए। जिन इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा हैं, वहां पर महिला मंडलों का सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने मर्डर के 2 मामले हल करने और आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करने पर पुलिस अधिकारियों और जवानों की भी सराहना की। क्राइम से जुड़े दूसरे मामलों पर भी बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर SP कार्तिकेन गोकुल चंद्रन, ASP विजय सकलानी, DSP रेणु शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वो SP साहब देखते हैं, हमारा कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा गश्त बढ़ाएं, पुलिस की प्रेजेंस रखें, उपस्थिति रखें, जिससे कि जो शरारती तत्व हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर दबाव रहे, उनको ये रहे कि पुलिस जो है वो सतर्क है। वो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, दोनों हत्याओं को जो ट्रेस किया, एक तो अभी आपने देखा, एक जो लड़की का जो उसको दबा दिया गया था, उसको बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया गया है, वो बहुत मेहनत का काम किया। इसके लिए हमीरपुर पुलिस, खास करके SP साहब जो है, इन्होंने ये बधाई के पात्र हैं, शाबाशी के पात्र। सच कोई खास मोटिव नहीं है, हमारी पीरियोडिक मीटिंग होती हैं, रेंज DIGs IG जो हैं वो जिलों में जाते हैं, वहाँ पे जो पर्यवेक्षक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, SHO से बातचीत करते हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल कोरोना काल चला हुआ है, लेकिन कोरोना काल के साथ साथ हमारी डेली एक्टिविटी भी चल रही है, तो उसके बारे में विचार विमर्श करना है। कोई खास विशेष मकसद कोई नहीं है, विशेष उद्देश्य कोई नहीं है। इस दौरान DIG मधुसूदन शर्मा ने नशे के खात्मे को लेकर महिलाओं से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, उन्हें नशे की ओर जाने से रोकें और नशे के सौदागरों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग करें। हमारी नजर है, पुलिस की नजर है, मैं आम जनता से, नागरिकों से भी ये आग्रह करूंगा कि वो पुलिस का साथ दें, साथ देते भी हैं, और मेरा खास करके नारी शक्ति के साथ को ये आग्रह है कि वो पुलिस को सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सूचना देने वाले स्रोत का नाम कभी नहीं बताएंगे, और हमारा ये अनुभव रहा कि जब जब नारी शक्ति नशे के विरुद्ध खड़ी हुई है, तो उसमें पुलिस को और समाज को बहुत सफलता मिली है। तो मेरे हमीरपुर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे ये आग्रह है कि वो सूचना दें, और जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाएं, जो सब नशे के सौदागर हैं उनको पकड़ाने में हमारी मदद।